बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोस्तों के नाल दो साल तो बाद मुखातब हाँ। हिकमत के हवाले नाल तो यूट्यूब भरिया होया और फेसबुक भी भरी है और बहुत सारी एडवरटाइज खवातीन भी बहुत सारी कर रही ने और हुक्मा भी बहुत सारी हिकमत के हवाले के नाल इस नौजवान नस्ल नू बढ़ाने वास्ते बड़ी प्रोडक्ट है। यह कहांगा कि ये 25 करोड़ आवाम नहीं, ये सारी कायनात हकीमा ने इन्नी को अपनी एडवरटाइज कर ली है कि इस वक्त अंदर तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर कोई भी शख्स बीमार होना ही नहीं चाहिए। जिन्नी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आ गई और जिन्नी खवातीन के वास्ते मार्केट के अंदर फेस क्रीम आ गई है, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी जगह नहीं मिलती कि जिथे कोई मार्केट के अंदर क्रीम नुमाया तौर पर नज़र ना आए। मगर असल क्रीम की तलाश कोई नहीं कर रहा। इश्क मुस्तफ़ा ख़त्म हो गया, सीनिया के अंदर इश्क मुस्तफ़ा नहीं। घर के अंदर अगर एक शख्स का खाना खुद नहीं पूरा होता तो वह लंगर का इतमाम की करेगा? ना तो साढ़े हकीम तो ना ही साढ़े डॉक्टर किसी को फाका कशी के उत्तर कोई दवाई नहीं दे रहे कि यह दवाई खा लै तो तू इस फाका कशी के अंदर तेरे अंदाज़ च बेहतरी आ जाएगी। अफसोस के नाल कहना पैंदा है कि अज दे हकीम और अज दे हुक्मा और अज दी हकीमत के अंदर खवातीन जो प्रोग्राम इस नौजवान नस्ल नू बयान कर रही ने, क्या लुकमान ने इस हिकमत के अंदर ये बयान करना दस के गया है या हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अज के हुक्मों वास्ते है वे कि वह चादर और चार दीवारी और सारे बेहुदा इस नौजवान नस्ल नू और साड़ियां बच्चियां नू पैगाम देन खुदारा अपने ते और आस पास के उत्ते उस प्रोडक्ट की हया के अंदर रह के बयान करो कि जिदे अंदर इस्लाम और दीन का प्रचार होवे, जिदे अंदर दीन की बात होवे, जिदे अंदर दीन दे वास्ते दस्या जाए कि हया च रह के इस दवा का इस्तेमाल करो तो अल्लाह करीम तुहानू शफा अता करेगा। बेहुदा और बेहयाई दे ये जिन्ने प्रोग्राम ने इन्हां नू हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त करने आ कि इन्हां दे उत्ते गौर व फिक्र किया जाए और आने वाली नस्ल नू बचाया जाए। अल्लाह करीम मैनू तुहानू सब सच कहन दी सलाहियत हिम्मत और इस्तकामत अता करे। फी इमानुल्लाह।